वेलकम टू मोरेको आर्ट। ये जो वरमाला है ये हमें कस्टमर की साइड से मिली थी, इसको हमें प्रिजर्व करना है ताकि जो उनका शादी का मोमेंट है, वरमाला जो मेन इवेंट रहता है, उसको हम लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकें। इसमें हम बेस में मेटलिक पिंक शेड का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए ये शेड कितनी सुंदर लग रही है, और इसको सेट होने देते हैं, उसके बाद हम इस पर आगे का काम करेंगे। ये हमने फ़ोटो पेस्टिंग कर दी है उन कपल की। फ़ोटो पेस्टिंग के बाद इसको हम सील करेंगे ट्रांसपेरेंट कैनोपी के साथ। और ये उनके फ्लावर्स हैं जिनको हमें एक पैटर्न में लगाना है, जिसे कस्टमर ने डिसाइड किया है कि हाफ पैटर्न में फ्लावर्स होने चाहिए। तो हम जो उनके वरमाला के फूल्स हैं उनको हमने पहले ड्राई कर लिया था, और अब इस तरह से हम उनको जो हाफ सरफेस है उसको फ्लावर से पूरी तरह से फिल कर देंगे। क्या होता है कि जो वरमाला होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उसके बाद उसको फेंकना पड़ जाता है, और शादी का मेन इवेंट होता है वरमाला का। तो अगर मतलब ये एक अच्छा ऑप्शन है उसको लाइफ टाइम सेव रखने के लिए, उस मेमोरी को ताज़ा रखने के लिए। हम लोग कितनी प्लानिंग करते हैं अपने वरमाला फंक्शन के लिए, तो वही चीज़ है, इसको लाइफ टाइम के लिए याद के तौर पे रखेंगे। और ये जो उनकी वरमाला के जो भी एलिमेंट्स थे वो हमने सभी इसके अंदर प्रिजर्व किए हैं। पर्ल्स भी यूज़ किए हैं, जो उनकी वरमाला में गोल्डन पर्ल्स थे वो कर दिए, और इस तरह से इनको पूरी तरह से कवर कर दिया है। और सारे एयर बबल्स रिमूव करने के बाद ये ट्रांसपेरेंट सा लुक इसमें आया है। और इसमें हम जो कपल हैं उनका नेम और उनकी शादी की डेट भी मेंशन करेंगे। इसके लिए मैं ये गोल्डन एक्रेलिक का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से उनके नेम पेस्टिंग कर दिया और शादी की डेट भी इस पर मेंशन की है। आप अगर कोई ऐसा कस्टमाइज ऑर्डर करवाना चाहते हैं, तो कोई भी मैसेज या कुछ आप लिखवाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से वो भी कस्टमाइज हो जाएगी। इन्होंने नेम और शादी की डेट के लिए रिक्वेस्ट की थी। और सब चीज़ लगाने के बाद ट्रांसपेरेंट जो लेयर थी मेटलिक के ऊपर, वो हटाने के बाद ये ग्लोस आया, और ये हमने ट्रांसपेरेंट केमिकल से इसको पूरी तरह से सील कर दिया, कवर कर दिया। इसको सूखने देते हैं, और उसके बाद ये इसका फाइनल लुक है। इसको हमने डिमोल्ड कर लिया है, और डिमोल्ड के बाद ये इसका फाइनल लुक आया है। पूरा मिरर रिफ्लेक्शन है, बहुत ग्लोस है, शाइन है, और सर्कुलर शेप में बहुत अच्छा लग रहा है। Thanks for watching.